आज दिन एगार घटिका समय अखिल भारतीय महिला अग्रवाल सम्मिलनी संबलपुर शाखा पक्षर् संबलपुर ठारे शरत पूर्णिमा उत्सव और राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सम्मान समारोह अनुष्ठित एथिरे राष्ट्रीय अध्यक्षा विनीता क्षेत्रपाल मुख्य अतिथि भाव जोगदे कार्यक्रम अखिल भारतीय महिला अग्रवाल सम्मिलनी अन्य सबु वरिष्ठ पदाधिकारी समेत अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मिलनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्य सभापति अन्य सबु राज्य पदाधिकारी प्रमुख उपस्थित रही। नमस्कार, जय अग्रसेन, जय माधवी जी। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष विनीता खेतावत आज उड़ीसा दौरे पे आई हुई हूँ। चार दिन का मेरा ये दौरा है जिसमें हर जिले के अंदर मैं जा रही हूँ। हमारे महिलाएं अलग अलग जगह पे मेला का प्रदर्शन कर रही है जिसमें महिलाओं मोटिवेशन, महिलाओं को उत्थान, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पे इस मेले का आयोजन है। आज यहाँ पे गरबा का भी प्रोग्राम है जिसमें महिलाओं में टैलेंट बहुत होता है, उसी टैलेंट को बाहर निकालने के लिए आज गरबा का कार्यक्रम किया जा रहा है। एही कार्यक्रम रे अखिल भारतीय महिला अग्रवाल सम्मिलनी संबलपुर शाखा पक्षर् संगठन राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा स्वतंत्र भाव सम्मानित करा। एही अवसर रे महिला सशक्तिकरण नहीं एक स्वतंत्र प्रदर्शन अनुष्ठित होता। ओडिशा राज्य समेत विभिन्न राज्य आसुवा स्टल गुड़िक स्वतंत्र भाव विभिन्न सामग्री गुड़िक प्रदर्शन महिला को नहीं स्वतंत्र गरबा नाचर कार्यक्रम अनुष्ठित होता। आज संबलपुर में हमारा सूरत से एग्जीबिशन लग रहा है, मुंबई से, खरसिया से, यहाँ से, कलकत्ता से, सब जगह से आ रहे हैं और बहुत बड़ा प्रदर्शनी लग रहा है। गरबा का प्रोग्राम है, सम्मान समारोह है। हमारी महिला अध्यक्ष की नेशनल प्रेसिडेंट आई है संबलपुर, उनके सम्मान में हम बहुत उत्साहित हैं। एही कार्यक्रम रे अखिल भारतीय महिला अग्रवाल सम्मिलनी जिलार सभानेत्री बीतु अग्रवाल, संपादिका सविता मोदी, कोषाध्यक्षा किरण अग्रवाल समेत सबु पदाधिकारी माने उपस्थित रही परिचालनारे सहयोग करथिले। आज हमने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के आई है उनके उपलक्ष्य में हमने एक आज जैसे शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा गरबा प्रोग्राम रखा है। इवन उनके सम्मान में आज हमने एक सभा बुलाई है जिसमें हम उनको बहुत सम्मान भी करेंगे। हमारा मकसद है हमारी जो महिलाएं हैं जो कभी कुछ नहीं कर पाई हैं, हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आइए और उनको हम प्लेटफॉर्म देते हैं सब कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। संबलपुर नवीन दास, रिपोर्ट, खबर उड़ीसा।